दोस्तों विश्वविद्यालय ने ये जो सूचना जारी करी है 7/10/2021 को, वो किसी कक्षा को प्रमोट करने के संबंध में नहीं है। इस सूचना में ये बताया गया है कि जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं उनको मार्क्स किस आधार पर दिया जाएगा और उनसे ये कहा जा रहा है कि वो एडमिशन ले सकते हैं। आइए पहले इस खबर को पढ़ लेते हैं फिर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ तक तो बस ये बताया गया है कि जिन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। आप यहाँ से पढ़िए इस सूचना को कि अनुक्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित 6 सदस्य समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव एवं परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष तथा परा स्नातक पूर्वार्ध के समस्त छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट के संबंध में निर्देश दिए गए थे। मतलब उन्हें प्रमोट करने के लिए कहा गया था। अब बात क्या हुआ है कि उपरोक्त के क्रम में ऐसा संज्ञान में आया है कि कतिपय महाविद्यालय संस्थान छात्र छात्राओं का अगली कक्षाओं में प्रवेश नहीं लिया है या नहीं ले रहे हैं। तो बात यह है ना कि बच्चे प्रमोट होने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे थे और विश्व महाविद्यालय भी रिजल्ट का वेट कर रही थी, एडमिशन नहीं ले रही थी अगली कक्षाओं में। तो उसी की सूचना ये दी गई है कि आप अगली कक्षाओं में प्रवेश लीजिए, रिजल्ट जल्द घोषित कर दिया जाएगा। और रिजल्ट के मार्क्स कैसे मिलेंगे उसके बारे में यहाँ सूचना दी गई है कि कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा परास्नातक पूर्वार्ध के छात्र छात्राओं का अगली कक्षाओं में तत्काल प्रवेश लेना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इन सभी प्रमोट बच्चों के निम्न व्यवस्था अनुसार परीक्षा परिणाम एवं अंक निर्धारित किए जाएंगे। कैसे निर्धारित किया जाएगा, अब इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट हुए हैं उनके मार्क्स सेकेंड ईयर में जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे मिलेगा। वही देखिए यहाँ क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनका प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम अंक निर्धारित किए जाएंगे। मतलब जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया है उनके मार्क्स सेकेंड ईयर में होने वाली एग्ज़ाम्स के बेस पे दिया जाएगा। और आगे लिखा है कि स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र यानी कि जो सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं उनका मार्क्स फर्स्ट ईयर के हिसाब से दिया जाए। देखिए प्रथम वर्ष के परीक्षा के परिणाम के आधार पर द्वितीय वर्ष परीक्षा परिणाम को निर्धारित किए जाएंगे। तो जो सेकेंड ईयर के बच्चे प्रमोट हुए हैं उनके मार्क्स फर्स्ट ईयर के हिसाब से मिलेगा। और कह रहा है जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे प्रमोट हुए हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है पूर्वार्ध के छात्र जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे प्रमोट हुए हैं उनका सेकेंड सेमेस्टर के बिहाफ पे मार्क्स मिलेंगे और जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हुए हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर के बिहाफ पे मार्क्स मिलेगा। मतलब कहना यह है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के बिहाफ पे मार्क्स मिलेंगे और अगर सेकेंड है तो फर्स्ट के बिहाफ पे मार्क्स मिलेंगे। इसमें ये नहीं कहा गया कि कौन से बच्चे प्रमोट होंगे, जिनकी प्रमोट की सूचना आ चुकी है उनके मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे ये बताया गया है। अगर मान लीजिए किसी छात्र को ये शिकायत है कि नहीं मेरे मार्क्स इससे अच्छे आ सकते थे या आ सकते हैं, उनके लिए भी सुविधा दी गई है कि जब ऐसे छात्र जो उपरोक्त व्यवस्था से घोषित परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वे 2021-22 में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के उन समस्त किसी भी विषय की परीक्षा में सम्मिलित होकर अंकों का सुधार करने का अवसर प्राप्त करेंगे। मतलब जिस बच्चे को लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स कम मिले हैं मैं इससे अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, वो अपना बैक पेपर भर के अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर जब अगली बार जैसे मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर प्रमोट हो गए हैं उनको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स, तो जब नेक्स्ट टाइम बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें शामिल होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपके मार्क्स वहाँ से सुधार हो सकते हैं। और विशेष सूचना बीएड को लेके यहाँ पे नहीं कहा गया है कि बीएड के बच्चे प्रमोट होंगे। इवन कल की न्यूज़पेपर में ये घोषणा की गई है कि अक्टूबर अंतिम सप्ताह में बीएड फर्स्ट ईयर और द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम होगा, तो बीएड प्रमोट के लेके ये सूचना नहीं है। ओके दोस्तों, अगर कोई सूचना आती है तो आपको बता दिया जाएगा। रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए जैसे ही कोई नई सूचना आती है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, चैनल्स के सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन कमेंट बॉक्स। जय हिंद, जय भारत।